नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और आइए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, दोपहर के एक बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं धुआंधार खबरों की पूरी डोज। सुबह से अब तक की हर बड़ी खबर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश की हर बड़ी खबर पर सीधे ग्राउंड से लाइव रिपोर्टिंग। तो बने रहिएगा हमारे साथ दोपहर 1 से 3 बजे तक 100% न्यूज, नॉन स्टॉप लाइव रिपोर्ट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने जिला कोर्ट में याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एडवोकेट कमिश्नर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं है, बैरिकेटिंग के बाहर चबूतरे की वीडियोग्राफी होनी है। अब इस मामले पर कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। सर्वे टीम को आज दोपहर 3 बजे मस्जिद में सर्वे करने जाना है। कल मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था, सिर्फ बाहर की दीवारों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो पाई थी। बैरिकेटिंग के अंदर सर्वे की जो टीम थी वो नहीं घुस पाई थी और आज ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। 2 बजे और सुनवाई होगी। हमने एक दरखास्त दी है कमिश्नर के खिलाफ कि कमिश्नर निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, उस पर कोर्ट सुनेगी, जो सुनेगी, जो ऑर्डर करेगी उसका फॉलो किया जाएगा। नहीं, ऐसा हमने कोई नहीं कहा, नक्शे की कोई बात नहीं की, ना ओरिजिनल नक्शे की कोई बात की, ऐसा कहाँ से कुछ होगा। नहीं, जिस भी प्लाट की कोई कार्रवाई की जाती है उस प्लाट की शनाख्त के लिए कोई चीज होना चाहिए कि ये यही स्थान है। आप जहाँ आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ खड़े हैं, 21 आराजी के ऊपर आप खड़े हैं, आपको मालूम है? आप किस आराजी के ऊपर खड़े, आप बता सकते हैं? तो एक नया मोड़ आ गया है, मुस्लिम पक्ष अदालत चला गया है और अदालत से जो कमिश्नर है उसको बदलने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे के मामले में एक बड़ी खबर है। हिंदू पक्ष ने वाराणसी के डीएम से मुलाकात की है, हिंदू पक्ष ने वाराणसी के कमिश्नर से भी मुलाकात की है और आज हर हाल में मस्जिद के अंदर सर्वे करवाने की मांग की है। मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की क्या है दलील, हिंदू पक्ष के पास क्या सबूत हैं, इस बारे में इस केस के एक पक्षकार सोहनलाल आर्य ने इंडिया टीवी से खास बात की है। डॉक्टर सोहन साहब, जिस तरीके से आपने इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया, पहली बार आप कोर्ट गए और अभी तक की जो स्थिति आप देख रहे हैं, कौन से वो आधार हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि पूरा मामला विवादित रहा और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा? 1984 में जो अयोध्या कार सेवा के लिए हम जाया करते थे, वहाँ तो रामचंद्र परमहंस जी के माध्यम से जब राम बाबरी मस्जिद में रामला का प्राकट्य हुआ, आते समय चीज़ों ट्रेन में एक कौतूहल सा होता था कि यहाँ पर ज्ञानवापी उद्धार के लिए ऐसा कौन सा सूत्र है या कौन सा है तरीका जिससे आंदोलन किया जा सके। कई लोगों से पूछे हम जो है, लेकिन कोई बिंदु नहीं हो पा मिल पाए। लेकिन एक वेद जो विद्वान थे उनसे जब हम पूछे कि यहाँ आंदोलन का द्वार कैसे प्रशस्त हो, 1984 की बात कर रहा हूँ मैं जो है, तो अचानक बताया कि हमको ध्वंस आराध्य स्थल के पीछे ले गए, कही यह माँ श्रृंगार गौरी है। हम कहे महाराज जी, माँ श्रृंगार गौरी का नाम तो हमने नहीं सुना, माँ श्रृंगार गौरी का नाम तो हमने मंगला गौरी का नाम सुने। कही वह भव्य मंदिर का हिस्सा है जिसमें नृत्य मंडप, यज्ञ मंडप, श्रृंगार मंडप हुआ करता है, यह श्रृंगार मंडप श्रृंगार की देवी है। मतलब जो विश्वेश्वर महामहादेव मंदिर हैं, जो मंदिर ध्वंस कर दिया गया उसी पर लोटिया सहित जलाभिषेक भेजना, जलाभिषेक करना, लोटिया फेंकना शुरू हो गया। और फिर दूसरी बार प्रशासन ने 10 फीट की बैरिकेटिंग लगा दी, फिर हम लोग फिर लोटिया फेंकना शुरू किए गंगा जल का, फिर 20 फीट की बैरिकेटिंग, फिर फेंकना शुरू किए, फिर 20 फीट की बैरिकेटिंग 2 बार हो गई, तो क्रमशः आंदोलन बढ़ता रहा। ये तस्वीर आपने हमको दिखाई, माँ श्रृंगार गौरी इस समय कहाँ पर विराजित हैं, और जिसकी ये फोटो है 1970 की ये फोटो है, उस समय यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं हुआ करती, लेकिन अब फिलहाल यहाँ बैरिकेटिंग हुई है, ये विवाद पूरा क्या है इसके बारे में समझाएं। उस भव्य मंदिर का गिरे हुए मलबे का हिस्सा है, ये शिला है, इस शिले को ही ये शिला है, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी को श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है यहीं पर शिला। एक फोटो ये भी है, इसको बताइए, देखिए ऊपर आपको ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका निर्माण दिख रहा है और नीचे की जो कलाकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ हैं, क्या ये आप लोगों को इस बात इशारा करती हैं कि यहाँ भगवान विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था और नीचे की कलाकृति कुछ वही है? हाँ, यह जो आप देख रहे हैं ये ध्वंस आराध्य स्थल है, ये उनका आज भी वो उसी तरह यथावत है, और ऊपर आपको स्पष्ट दिखाई सफेद, यह मस्जिद जोड़ी गई है, उसी के मलबे से तामीर की गई है, दोनों स्पष्ट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और आज भी यथावत है। पहले भी मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वो अंदर की वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, भले ही इसलिए उनको अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। कल भी उन्होंने विरोध किया, कल भी जो कमीशन है वो अंदर नहीं जा पाया, आज आपको उम्मीद है कमीशन अंदर जा पाएगा? देखिए, संविधान
यह देश संविधान से चलता है, इन मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चला करता, इनके मनमर्जी से नहीं चलेगा। भारतीय संविधान का हर देश कानून का पालन करता, और इन्हें भी करना पड़ेगा। कल भले ही हट के कारण नहीं, लेकिन आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले, मंडलायुक्त जो दीपक अग्रवाल जी से मिले, वो आज पूरा सहयोग करेंगे। आज मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद नहीं, उसको हम महज जिद मानते हैं, महज जिद, एक जिद है उनकी। और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विशाल, ये जो अदालत पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की गई है, और दलील ये दी जा रही कि मस्जिद के अंदर का सर्वे की का आदेश नहीं है, बाहर का कोई हिस्सा है जिसके सर्वे का आदेश है। क्या कहा गया है याचिका में एग्जैक्टली, जरा डिटेल में बताइए। देखिए हुसैन, बहुत ही स्पष्ट इस पूरे मामले में कोर्ट के निर्देश हैं। कोर्ट ने कहा था कि सर्वे अंदर जाकर के करिए और ये बताइए कि अंदर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो आकृतियां दिख रही हैं, जो दावा किया जा रहा है पक्षकारों की तरफ से, उसमें आखिर है क्या। मैं सीधा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसकी मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा हुसैन। ये देखिए, ये मस्जिद के जो गुंबज हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके ठीक बगल का जो हिस्सा है उसको श्रृंगार गौरी की शिला कहा जाता है, जो कि बैरिकेड से इस वक्त काशी विश्वनाथ परिसर की तरफ आगे जाती है। इसी परिसर को लेकर के पूरी वीडियोग्राफी की बात कही गई है, इसी परिसर को लेकर के पूरा सर्वे की बात कही गई है कि आखिर जो पक्षकारों ने इस पूरे मामले में कोर्ट में अपनी बात रखी है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या क्या चीजें मौके पर मिलती हैं, सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और इसी बात को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर पर आरोप लगाया है कि वो पक्षपाती कार्रवाई कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, वो दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। और इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर के ये याचिका दी गई है, और इसमें सुनवाई जो कोर्ट है वो 2 बजे करेगा और अपना फैसला देगा कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आदेश था कोर्ट का उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं था कि तालों को खोल करके आप अंदर के सर्वे करिए। लेकिन जो पक्षकार हैं उनका ये कहना है कि जब तक सभी चीजों का सर्वे नहीं किया जाएगा पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बिल्कुल विशाल, अब तो कोर्ट की सुनवाई पर ये डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके से इस पूरे चीज का सर्वे होना है, अंदर दाखिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या फिर बाहर से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप।